बैटिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा बैट, और अगर बैट में अच्छी ग्रिप हो तो ही कॉन्फिडेंस आता है बैटिंग करने में। तो आज मैं कुछ ऐसे ही बैट ग्रिप के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। जो भी बिगनर्स हैं जिन्होंने अभी जल्दी में ही क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया है, यह वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक देखना। बैटिंग में कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ग्रिप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे बैट की ग्रिप जितनी ही अच्छी होगी उतना ही अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा शॉट खेलने में। मेरे पास पहले से ही कुछ ग्रिप के सैंपल्स हैं जिसको मैंने पास्ट में यूज़ किया हुआ है। मैं आज आपको इन ग्रिप्स के बारे में अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था इन ग्रिप्स को यूज़ करने के बाद। मेरे पास जो पहली ग्रिप है वो है ये ऑक्टोपस ग्रिप। ये ग्रिप बहुत ही कॉमनली यूज़ में आती है, इसको बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, बट इस ग्रिप को जब आप 10 या फिर 15 दिन यूज़ कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से इसके दाने खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये ग्रिप बिल्कुल प्लेन होने लगती है, जिससे बैट हाथ में स्लिप होना स्टार्ट हो जाता है। ये ग्रिप मैं उनको रिकमेंड करूंगा जो कि 10 या फिर 15 दिन में अपने बैट की ग्रिप चेंज कर देते हैं, बट मैं ये ग्रिप उनको रिकमेंड नहीं करूंगा जो कि काफ़ी लंबे समय तक एक ही ग्रिप से बैटिंग करते हैं, तो ये ग्रिप उनके लिए वेस्ट ऑफ मनी है। अब मेरे पास जो नेक्स्ट ग्रिप है वो है ये देखने में तो काफ़ी स्मूथ लगती है, बट जब आप इसको अपने बैट में यूज़ करते हो तो आपके ग्लव्स ख़राब होने के काफ़ी ज़्यादा डर रहता है इस ग्रिप से। बट अगर आप इस ग्रिप की ग्रिपिंग की बात करें तो नॉर्मली ग्रिप बनता है, मतलब अगर आपके बैट के एजेस पे बॉल लगती है आपका बैट हाथ से घूम भी सकता है, मिडिल में अगर आप बॉल लगती है तो इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छे स्टॉक प्लेयर हैं तो आपके लिए ग्रिप बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन अगर आप एक बिगनर से तो आपके लिए ग्रिप कोई काम की नहीं। अब मेरे पास जो नेक्स्ट ग्रिप है वो है ये SS की ग्रिप। इसको जब मैंने बैट परचेस किया था SS का, तभी मुझे ये बैट के साथ ही ग्रिप मिली थी। बट इस ग्रिप को आप शुरुआत में तो यूज़ कर सकते हो 10 दिन 15 दिन 20 दिन, बट जैसे जैसे टाइम पीरियड निकलते जाएगा ये ग्रिप पूरी तरह से घिसना स्टार्ट हो जाएगी हर तरफ से। ये देखिए पूरी ग्रिप यहाँ से घिसा चुकी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके हाथ से बैट घूमने लगता है और ये ग्रिप नॉर्मली काफ़ी पतली आती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जगह जगह से ग्रिप फटने के भी चांसेस रहते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ से क्रैक हो गई है, फिर यहाँ से भी ये फट गई है, तो इस तरह से ये बहुत ही हल्की क्वालिटी की, एक तरह से बोल सकते हैं कि हल्की क्वालिटी की ग्रिप होती है जो कि बैट के साथ आती है। और ये मैंने SS का बैट जो परचेस किया था, जो कि अभी भी मैं यूज़ करता हूँ, उसके साथ ये ग्रिप मुझे मिली थी। वैसे तो ये ग्रिप काफ़ी महंगी मिलती है मार्केट में, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपके लिए ग्रिप सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेस्ट ऑफ मनी है। उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट ग्रिप्स हैं वो कुछ इस तरह से दिखती हैं। इनमें डिफरेंस निकालना काफ़ी मुश्किल है, बट इनकी क्वालिटी से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी ग्रिप ज़्यादा अच्छी है। जैसे कि अभी ये ग्रिप है, ये ग्रिप दिखने में रिंग टेक्सचर की लगती हैं, बट इनमें अगर आप देखेंगे तो क्वालिटी का काफ़ी ज़्यादा फर्क रहता है। जैसे कि जो ये ग्रिप है जिसको मैं अभी भी यूज़ करता हूँ, ये देखिए मेरे बैट में आपको इसी तरह की यहाँ पे ग्रिप देखने को मिल जाएगी। ये ग्रिप बहुत ही अच्छी होती है और इस ग्रिप में काफ़ी अच्छी ग्रिपिंग बनती है, जिससे मैं अच्छे शॉट्स खेल पाता हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए बेस्ट ग्रिप होने वाली है, क्योंकि अगर आपने एक बार इस ग्रिप को परचेस कर लिया, ये ग्रिप लगभग आप 2 से 3 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। आप जब भी ग्रिप को परचेस करने जाएं तो आपको ये ध्यान देना है कि ग्रिप को जब आप ऐसे यहाँ पे ऐसे जब फील करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी मोटी मोटी आपको फील होगी, और उसके बाद जो इसके रिंग टेक्सचर्स हैं वह आपको काफ़ी हार्डली फील होंगे, तो जिससे क्या होता है कि ग्रिप काफ़ी अच्छी है और ये काफ़ी लंबे समय तक हमारे बैट में टिकेगी। और जो भी बिगनर्स हैं मैं उनके लिए यही ग्रिप सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ पर जाइए शॉप पे और इसको फील करके लीजिए। अगर आप फील करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ग्रिप कैसी है, अच्छी है या नहीं है। तो इस तरह की जो रिंग टेक्सचर की ग्रिप आती है वो काफ़ी अच्छी होती है, मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा। बट अगर आप हल्की ग्रिप ले लेते हैं इसमें की, क्योंकि लोकल ग्रिप्स भी बहुत सारी आती हैं, तो देखिए कुछ इस तरह से इसका हाल हो जाएगा ऐसा। तो आप लोगों को पहले फील करके लेना है कि मोटा है या पतला है, अगर पतला होगा तो आपको नहीं लेना है, और अगर मोटा होगा तो आप उसको परचेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे से उसमें बैट होल्ड होता है। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेके आया था आपके लिए, जो भी बिगनर्स हैं ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है वीडियो। तो वीडियो अगर आपको अभी तक पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही इस वीडियो को शेयर उनके साथ भी करना जो कि अभी अभी स्टार्ट किया है क्रिकेट खेलना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरी और वीडियोज़ को देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।